परबत्ता से। तो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूर्णिया सेवा शिविर द्वारा जो व्यवस्थाएं की जाती है, कैसा लगता है? सही है, बहुत बढ़िया लगता है। आप कितने वर्षों से आ रहे हैं? हम 4 वर्ष आ रहे हैं। तो यहाँ आते हैं तो यहाँ हर सुविधा मिलती है, खाने पीने दवाई वगैरह सारा चीज। तो क्या कहिएगा उनको, पूर्णिया सेवा शिविर को क्या कहना चाहिए? अच्छे कहेंगे, भने सब कर रहा है, ऐसे करना चाहिए दस को सेवा शिविर। हर सुविधा। क्या नाम हुआ चाची? सुमित्रा। कैसा सुविधा मिल रहा है तुम लोग को? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। कहाँ से आई है? भागलपुर से। जाएगी बोलबम अभी जल चढ़ाने के लिए। हाँ। अभी रुकी हुई है। कैसा हाँ सुविधा यहाँ तुमको मिल रहा? सारा चीज बहुत बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। हाँ। तो क्या कहना चाहोगी अपने तरफ से पूर्णिया सेवा शिविर की? हम क्या कहना चाहेंगे, मतलब जो है बहुत अच्छा, हर तरह का व्यवस्था, हाँ सारी खुशी मिल रहा है, बहुत अच्छा है, हर चीज अच्छा है। हाँ। तुम लोग को भी सुविधा मिल, बहुत सुविधा है। चलो, क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम है सपना कुमारी। कहाँ से आई हो? मैं भागलपुर से आई, तिलका माझी। द्वारा क्या क्या व्यवस्था की गई है, किस तरीके का व्यवस्था की जा रहा है? पूर्णिया सेवा शिविर जो लगे हुए हैं इनमें बहुत अच्छा सेवा दिया जा रहा है, वो भी निःशुल्क। मैं यहाँ आया बोलबम, जब मैं जा रहा था रास्ते में, बहुत अच्छा मुझे सेवा मिला पूर्णिया सेवा शिविर की तरफ से। हर एक चीज़ निःशुल्क है, बहुत अच्छा, मैंने रहने का, खाने का, ठहरने का, हर चीज़ का व्यवस्था यहाँ निःशुल्क है। मैं बहुत प्रसन्न हुआ ये सेवा देख करके, संतुष्ट हुआ मैं। इससे पहले भी आ पाए? मैं इससे पहले भी 2-3 बार मैं यहाँ आ चुका हूँ, और आया तो बहुत अच्छा लगा मुझे इस जगह पे। मतलब हर वर्ष यहाँ, हर बार मुझे खुशी महसूस हुई जब जब मैं यहाँ पे आया। ऐसे मैं निःशुल्क योगा सिखाता हूँ। हाँ, मैं भागलपुर का रहने वाला हूँ, हमारा नाम हुआ राजेश कुमार भगत। पूर्णिया निःशुल्क सेवा के क्या आप संदेश देना, क्या कहना चाहेंगे? यही, ये इसी तरह लगते रहे और दिन पर दिन तरक्की करते रहे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ राजेश कुमार भगत, पेशे से मैं एक योग शिक्षक हूँ। हमारा मोबाइल नंबर है 7493098537। निःशुल्क सेवा योग की, धन्यवाद। बोलबम बोलबम भैया, बताइए पूर्णिया निःशुल्क सेवा शिविर द्वारा क्या क्या सुविधाएं हैं, कैसा लग रहा है आप लोग यहाँ? बहुत बढ़िया लग रहा है, ये दूसरा बार है, अगला साल भी हम लोग, बहुत बढ़िया लगा था। हरीश्वर भी क्या बहुत अच्छा है। पूर्णिया निःशुल्क सेवा समिति को क्या कहना? नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या मिल रही है इसमें? सुविधा देखिए, मेडिकल का सुविधा लगी है, मानी खाने पीने का उनकी सुविधा है, चाहे मानी जो है सब पूरा सुविधा मिलता है यहाँ पर। और हम, मेरा परिचय हुआ गिरिडीह झारखंड और जमुआ विधानसभा, पंकज वर्मा मनरो। आप क्या कहिएगा भैया पूर्णिया निःशुल्क सेवा संघ के द्वारा? देखिए भैया, ऐसा है ना कि पूर्णिया शिविर हम लोग 2-3 साल से आ रहे हैं, और हमने प्रत्येक, जब भी मैं क्रॉस करता हूँ तो मैं रुकता हूँ, ज़रूर रुकता हूँ। हम लोग ग्रुप में लगभग 20-25 लड़का लोग रहता है, हम लोग आते हैं यहाँ पे। एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे लड़का लोग जो है ना बहुत अच्छा है, मतलब कि जो भी चाहिए टाइम पे मिल जाता है, और बहुत अच्छा है शिविर, बहुत अच्छा लगा मुझे। क्या बम के लिए गर्म पानी की व्यवस्था, दवाई, हर चीज़ की सुविधा अच्छी तरीका से मिल रही है? हाँ सर, देख एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे जो ना गर्म पानी भी अवेलेबल होता है, और दवा तो अवेलेबल ही रहता है, खाने पीने। हाँ, कोई दिक्कत नहीं आता है हम लोग के लिए, कोई दिक्कत नहीं आता तो है। देखिए अभी क्या, देखिए हम लोग जो बैठे हुए ना बहुत साफ़ सुथरा ही है। अभी हम लोग दूसरे जगह बैठते तो कीचड़ रहता, नहीं बैठ पाते। अभी बरसात के मौसम तो नहीं बैठ पाते, लेकिन आराम से हम लोग बैठते हैं यहाँ पे आके। शौचालय भी है, शौचालय का सुविधा है, इतना अच्छा रहता है ना। हाँ, गर्म पानी का कुंड है यहाँ पे, तो हम लोग जैसे क्या है कि इनका पूरा हम लोग सपोर्ट करते हैं। कितने वर्षों से आप आ रहे हैं? मैं यहाँ 2008 से आ रहा हूँ, 2008 से। तो बराबर पूर्णिया सेवा शिविर के द्वारा। हाँ, पूर्णिया, जैसे कि हम लोग का टाइमिंग जब यहाँ पे होता है 2-3-4-5 बजे आता है ना, तो हम लोग जरूर होल्ड करते हैं, और इसके बाद जब भी आते हैं तो मैं यहाँ जरूर रुकना होता है हम लोग को। शुभ नाम? मेरा राजेश कुमार वर्मा हुआ।